27 अगस्त यानी कल रांची में आहूत भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा सीएम आवास घेराव के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए लाठी चार्ज की घटना के विरोध में आज भाजपा द्वारा पूरे राज्य में सीएम का पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कड़ी में आज गिरिडीह में भी भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा गिरिडीह के पपड़वा ताड़ स्थित समाहरणालय के समक्ष मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और फिर सीएम का पुतला फूंका। इधर पुतला दहन कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता की गई थी। और 5 साल का 3 लाख रुपया बकाया झारखंड के प्रत्येक युवा को 3 लाख का बकाया है हेमंत सोरेन जी के पास। कल ये लोग मांग करने के लिए गए थे कि सूद आपको मैंने माफ किया, आप केवल हमको बकाया पैसा जो आपने वादा किया था वो वादा निभाइए और हमको पैसा दीजिए। इसी तरह से महिलाओं के बारे में बोले कि 3,60,000 रुपया मेरा सालाना चूल्हा खर्च होता है, अब 1,000 रुपया लॉलीपॉप हमको अंतिम विदाई के समय दे रहे हैं, मेरा 3,60,000 रुपया दीजिए। अरे ये मांग करने के लिए जब गए तो वैसे लोगों पर जब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का संबोधन चल रहा था उस समय इन्होंने आंसू केस भरी मैदान में दागने का काम किया। इन कार्यकर्ता इसे डरे नहीं, डट के सामना किए, उन्होंने पानियों की बौछार की, रबड़ की गोली चलाए, घेर के लोगों को मारने का काम किए। कई युवा मोर्चा के कार्यकर्ता घायल हुए, मेरा स्वयं युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मिथुन चतुर्वर्ती जी घायल हैं, गौतम तिवारी जी घायल हैं, श्रेयांश का कई कार्यकर्ता वो भी घायल हैं। और जब निहत्थे कार्यकर्ता पर लाठी और गोली चलाते हैं तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। आज जब जब हेमंत डरता है पुलिस प्रशासन को आगे करता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि वही पुलिस मुख्यालय के सामने में हम लोग हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन कर रहे हैं कि आपको आप संन्यास लीजिए या तो युवाओं का जो मांग है वह दीजिए। यही सबके लिए हम लोग आज पुतला दहन करने के लिए आए। पुतला दहन किया गया प्रशासन की ओर से रोकने का प्रयास किया गया, क्या किया? कल रांची में बीजेपी की तरफ से जन आक्रोश रैली आयोजित की गई थी, तो उसी के एक निषेध यात्रा आज यहाँ पे गिरिडीह में निकाली गई है। और इसमें हमें पता चला था कि प्रशासन को पता चला था कि ऐसे एक आक्रोश यात्री यहाँ पे आज निकलेगी और इसमें पुतला दहन किया जाएगा, तो इसी के लिए प्रशासन मुस्तैद था। डीसी ऑफिस के सामने ये कार्यक्रम होने वाला था उसी के लिए, तो दोनों पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे मुस्तैद थी। योजना के मुताबिक बीजेपी ने प्रदर्शन किया और बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है, और प्रशासन ने भी अपनी होशियारी दिखाते हुए पुतला दहन करने से को रोकने की कोशिश की।